महाराष्ट्र में बलात्कार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़ा होता जा रहा है। ऐसा ही दिल को झकझोर कर देने वाला मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के डोंबिवली परिसर से फिर से एक बार मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर क्रूरता की सारी हदें पार कर एक 14 साल की नाबालिग बच्ची से करीब 30 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। ये सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। जी हाँ, 30 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ पोक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता 14 साल की नाबालिग लड़की है। पुलिस आरोपियों की कड़ी तलाश कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस मामले का खुलासा बुधवार 22 सितंबर की सुबह हुआ। घटना डोंबिवली के भोपर इलाके की है। 14 साल की एक बच्ची से 30 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। मानपाड़ा पुलिस ने अभी तक 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की के प्रेमी ने जनवरी में उसके साथ बलात्कार करते हुए एक वीडियो बनाया था। इसी वीडियो के आधार पर लड़का लड़की को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। इसके बाद लड़की को एक फार्म हाउस में ले जाकर 30 आरोपियों ने बारी बारी से उस बच्ची के साथ बलात्कार किया। महाराष्ट्र में बलात्कार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी महीने इससे पहले भी बलात्कार के मामले सामने आ चुके हैं। कानून व्यवस्था पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। अपराधियों में पुलिस का खौफ है या नहीं, अब ये एक बड़ा सवाल बन गया है। मैं आजाद शेख, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आजाद शेख ऑफिशियल।